हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू टूसिजी फ्रेंड्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि लीनियल जेवरा सीरीज़ में आपको स्टार्ट कर रहा हूँ ठीक है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किन चैप्टर के बारे में आपको वीडियो बनाकर बताऊंगा पहला है लीनियर सिस्टम यानी कि सॉरी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड दूसरा है मेरा वेटर स्पेस एंड तीसरा है मेरे पास ठीक है तीसरा है मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड चौथा मेरे पास है इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड अर्थोगिटी एंड पाँचों मेरे पास होगा डिटर्मिनेंट्स एंड सिक्स नंबर मेरे पास होगा डायगोनल इसको डायग्नोजेशन भी बोल सकते हैं कैनोलिकल फॉर्म ठीक है एंड फोर्थ होगा बाइलिंग फॉर्म एंड कॉडिट्रिक फॉर्म तो ये चैप्टर्स हैं जिनके बारे में मैं आपको वीडियो बनाकर समझाऊंगा ठीक है और इनके सीरीज में मैं आपको कैसे बताऊंगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ जैसे कि हम कोई टॉपिक मान लो उठाएंगे ठीक है तो उस टॉपिक के पहले डेफिनेशन देखेंगे हम लोग ठीक है फिर उससे रिलेटेड जो सिंपल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको देखेंगे फिर सिंपल से मॉडरेट बढ़ते हुए और फिर जो हमारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन जैसे कि आई आई एग्जाम गेट या फिर नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उस चैप्टर से रिलेटेड फिर उनको भी कराएंगे हम लोग ठीक है उसके बाद जब ये सब हो जाएगा तो फिर लाइव रहकर हम आपके एक टेस्ट सीरीज टाइप में कराएंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे जिसको हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे राइट हर चैप्टर में ही यही इस सिक्वेंस होगा पढ़ाने का तो कोई भी टॉपिक उठाएंगे पहले उसके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको पढ़ाया जाएगा उसके बाद ही हम आगे बढ़ाएंगे मामले को आज हम खाली इंट्रोडक्शन देखेंगे किसका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का ठीक है तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसमें कुछ टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग ठीक है तो आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर हम लोग लीनियर जेपर का उठाएंगे तो ये हमारा पहला लेक्चर है इसमें ठीक है तो लेक्चर नंबर फर्स्ट है और इस लेक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे यहाँ पर लेक्चर नंबर हमारा फर्स्ट होगा और पहला जो चैप्टर है मेरा वो उठाएंगे हम लोग जो चैप्टर है मेरा वो ये है ठीक है पूरी सीरीज आपको मिलेगी और ये मॉर्निंग आपको मिल जाएगा मॉर्निंग में ठीक है मॉर्निंग में लगभग आठ बजे डेली आपका स्टार्ट हो जाएगा और आप लोग इसको ज्वाइन करिए ठीक है और इसको डेली पढ़िए बस आ रही ना तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में आपको मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां पर पहला चैप्टर है हमारे पास सिस्टम ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन ठीक है तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन की बात ही आ रही है तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी इक्वेशन होंगे मेरे पास उनकी डिग्री कितनी होगी ये तो सिंपल सी बात हो गया है कि डिग्री मेरे पास कितनी होगी उनकी वन होगी ठीक है क्योंकि लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है तो डिग्री मेरे पास कितनी होगी वन होगी तो मैं क्या करता हूँ कि यहां पर मैं कुछ सिस्टम क्रिएट करता हूँ लीनियर इक्वेशन का मान लीजिए मेरे पास लीनियर इक्वेशन कुछ इस टाइप से होती हैं कि यहाँ पर ए वन वन एक्स वन ठीक है प्लस ए वन टू एक्स टू प्लस एंड सो वन और करते करते यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ए वन एन एक्स एन इक्वल टू मान लीजिए मेरे पास बी वन हो गया ठीक है इसी टाइप से हमारे पास कोई दूसरा हो गया तो ए टू वन एक्स वन प्लस ए टू टू एक्स टू प्लस एंड सो वन करते 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 चले जाइए और यहाँ पे आइएगा तो आपको मिल जाएगा ए टू एन एक्स एन ये इक्वल टू बी टू मिल जाएगा मेरा ठीक है इसी टाइप से हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा मेरे पास ए थ्री वन एक्स वन प्लस ए थ्री टू एक्स टू ठीक है और प्लस मेरे पास ये बढ़ते बढ़ते चले जाइए तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ए थ्री एन एक्स एन ये मेरे पास बी थ्री हो जाएगा तो इसी टाइप से अगला हम बढ़ेंगे ए फोर वन एक्स वन प्लस ए फोर टू एक्स टू और प्लस बढ़ते चले ए ये आपको मिल जाएगा यहाँ से ए फोर एन एक्स एन इक्वल टू बी फोर ये सिस्टम मेरा चलता ही रहता है चलता ही रहता है तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ ठीक है ए एन वन एक्स वन प्लस ए एन टू एक्स टू और प्लस एन सोमान करते करते चले जाइए आप तो मिल जाएगा ए एन एन, एन एक्स एन ये मेरे पास हो जाएगा बी चलो तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि मेरे पास ये सभी सिस्टम्स हैं लीनर इक्वेशन पहले लीनर इक्वेशन ये मेरे पास गिवन है ये पहली हो गई ठीक है इसी टाइप से मेरे पास ये दूसरी है ठीक है ये तीसरी हो गई और ये चौथी हो गई एंड ये एंड सन एन एथ तो यहाँ पे जो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री आएँगे एक्स वन एक्स टू वन एक्स एन ये मेरे पास क्या है ये मेरे पास अननोन्स होते हैं ठीक है ये मेरे पास अन हो गए आई थिंक क्लियर हो रहा है कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ पर ठीक है और यहाँ पे देखा जाएगा तो जो मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे यहाँ पर हम इसके हाथ से जो मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे ऐसे ठीक है तो मैट्रिक्स तो में हमारे पास क्या हो जाएगा तो इनके हम लोग कॉफी क्रिएट करते हैं यानी कि एक्स वन का कॉफी जो होगा तो यहाँ पे ऑर्डर वाइज लिखे जाए ये हो जाएगा ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री सो वन करते करते ए वन एन ठीक है इसी टाइप से ए टू वन ए टू टू एंड ए यहाँ पे आ जाएगा थ्री ए वन टू सॉरी ए वन टू ए टू टू एंड ए थ्री टू एंड्स वन करते 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 मिस्टेक हो गई पहले वाले में यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था चलो लिख जाओ लिखता हूँ मैं ठीक है तो ये थी, ऐसा होना चाहिए था यहाँ पे हो जाएगा आपका ए वन वन राइट ये हो जाएगा आपका ए टू वन ये हो जाएगा आपका ए थ्री वन एंड सन करते करते एन वन ये हो जाएगा ठीक है ए वन टू ए टू टू ए थ्री टू एंड सन करते करते यहाँ पे हो जाएगा एन टू और ये करते जाइए इधर और इधर मेरे पास हो जाएगा ए वन एन ए टू एन ए थ्री एन और करते जाइए करते जाइए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए एन एन तो यहाँ पे क्या है ना कि एम बाई ए ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ठीक है तो चलो ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ एन बाई एन की कोई मैट्रिक मैट्रिक्स यहाँ पे लिया चलो मान लीजिए हमारे पास आपको हम ये बता रहे हैं अगर ये मेरे पास एन हो गया तो इसको हम अगर एम मान लेते हैं मान लीजिए एम मान लिया मैंने इसको तो ये हो जाएगा एम एन के मैट्रिक्स हो जाएगी तो यहाँ पे एम एन के मैट्रिक्स हमने बना लिया ठीक है मैं आपको समझाता हूँ एम मेरे पास क्या हो जाएंगे मेरे पास एम हो जाएंगे नंबर ऑफ़ क्या हो जाएंगे इक्वेशन एम हो जाएगा मेरे पास नंबर ऑफ इक्वेशन कितने इक्वेशन हैं वो बताएगा एम तो m बताएगा नंबर ऑफ इक्वेशन को और n बताएगा हम नंबर ऑफ अननोंस को कि मेरे पास अननोंस कितने हैं तो m क्या बताएगा नंबर ऑफ इक्वेशन तो m क्या बताता है इसको ध्यान देना ये बताएगा नंबर ऑफ इक्वेशन ठीक है और यहाँ पे n जो बताएगा वो क्या बताएगा नंबर ऑफ अननोंस ठीक है तो हमने क्या कहा कि हमारे पास कोई लीनियर सिस्टम गिवन होगा तो उसको मैट्रिक फॉर्म में स्प्रेड टाइप से नोटेट करेंगे जहां पे एक्स वन एक्स टू एस थ्री क्या होगा मेरे पास ये मेरे पास एक्सेंट तक वो मेरे पास क्या होगा अनौंस हो गए और ये मेरे पास क्या है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होती है एक ऑफ लीनियर इक्वेशन ठीक है उसकी मैट्रिक्स है और यहाँ पर जो वेरिएबल होंगे वो वेरिएबल क्या होंगे वो मेरे पास वेरिएबल हो जाएंगे चलो मैं इसको रब कर रहा हूँ आदि थिंक आपको सामने आ गया होगा कि नंबर ऑफ इक्वेशन क्या होंगे एम होंगे जो नंबर ऑफ रोज होते हैं वो नंबर ऑफ इक्वेशन होती हैं ठीक है थीके? और जो मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं वो क्या होते हैं नंबर ऑफ़ अननोन्स होते हैं तो आई थिंक ये आपको ये बात क्लियर हो चुकी है ठीक है तो अब हम लोग इसको समझ चुके हैं और यहाँ पे होते हैं अननोन्स अननोन्स क्या है मेरे पास उसको राइट कर लो हो जाएगा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड्स वन ये मेरे पास एक्स एन ये हो जाएंगे ठीक है और यहाँ पे ये कॉन्सटेंट होते हैं तो ये मेरे पास इनको राइट करो ये हो जाएगा मेरे पास बी वन बी टू एंडस वन बी एन तो ये मेरे पास मैट्रिसेस हो गए ठीक है तो यहाँ पे ये कांस्टेंट जो मेरे पास हैं बी वन बी टू बी थ्री एंडस बी एन ठीक है B1, B2, B3, N1, BN, ये कांस्टेंट। अगर ये सभी कांस्टेंट क्या हों जीरो हों मतलब बी आई इक्वल टू अगर हम बोलते हैं जीरो तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम क्या बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम यानी कि बी आई मतलब एक भी नॉन जीरो नहीं होना चाहिए सभी जीरो होने चाहिए ठीक है तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि होमोजिनस मेरा सिस्टम होगा तो होमोजिनस सिस्टम के लिए क्या होता है कि बी आई मेरा क्या हो जाता है जीरो हो जाता है होमोजिनस सिस्टम के लिए आप ये बात याद रखना कि होमोजिनिस सिस्टम में क्या होगा बी आई मेरा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा और इनमें से कोई अगर एक भी नॉन जीरो आ जाता है अगर इनमें से कोई एक भी नॉन जीरो आ जाता है तो वी कैन से कि ये क्या होगा आपका फिर हो जाएगा नॉन होमोजीनिस सिस्टम तो होमोजिनस सिस्टम और नॉन होमोजीनिस सिस्टम में बस इतना ही टाइप मतलब डिफरेंट होता है कि इसमें जो मेरे पास अननोन्स आ रही हैं अननोन्स ठीक है अगर ये ऑल अन क्या हो जाए जीरो हो जाए ठीक है ऑल अन जीरो मतलब हुआ कि ये भी जीरो हो जाए मेरा ये भी जीरो हो जाए ये भी जीरो हो जाए ये भी जीरो ये भी जीरो इनमें से कोई एक ऐसा भी ना हो जो नॉन जीरो सभी के सभी जीरो हो जाएं तो मैं इस सिस्टम को नाम दूंगा ये होमोजीनियस इक्वेशन सिस्टम हो गया होमोजीनियस सिस्टम हो गया होमोजीनियस सिस्टम ठीक है ये बात आप दिमाग में रखना और अगर मान लो इनमें से कोई एक नॉन जीरो हो जाए मतलब कोई एक अननोन ऐसा हो जाए कि जो नॉन जीरो हो जाए तो मैं उसको क्या नाम दे दूंगा तो वो नाम हो जाएगा मेरे पास नॉन होमोजीनियस ठीक है सिस्टम आई थिंक आपके बात समझ में आ चुकी है कि होमोजीनियस सिस्टम और नॉन होमोजीनियस सिस्टम हमारा क्या होता है ठीक है तो होमोजीनिक सिस्टम में क्या होता है कि ऑल जो स्केलर होते हैं यानी एंड ये सभी क्या होते हैं जीरो होते हैं सिस्टम हो गया नॉन होमोजिनियस में क्या होता है कि इनमें से कोई एक भी एटलीस्ट वन भी नॉन जीरो मिला नॉन जीरो स्केलर क्वानिटी तो हम कह सकते हैं कि मेरा क्या होगा नॉन होमोजीनिय सिस्टम होगा आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गया तो होमोजिन सिस्टम किस टाइप का होता है तो होमोजिन सिस्टम इस टाइप का होता है होमोजीनियस सिस्टम जो आपका होता है वो ऐसा होता है कि ए एक्स इक्वल टू जीरो फॉर्म का ठीक है होमोजिन सिस्टम हो गया इसमें बी मेरा क्या होता है पूरी तरीके से जीरो होता है और यहां पर नॉन होमोजनिक सिस्टम में मतलब क्या हो गया नॉन जीनियस सिस्टम इसमें क्या होता है कि आपका ए एक्स इक्वल टू बी वेर बी क्या होता है डज नॉट इक्वल टू जीरो आपको याद रखना है ठीक है तो हो जाता है नॉन होमोजीनियस सिस्टम बात समझ में आगे नहीं आगे तो होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है नॉन होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है ये हम लोगों ने क्लियर कर लिया है अब बात करते हैं सोल्यूशन ऑफ ठीक है सल्यूशन यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में सोल्यूशन की बात करते हैं सल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ठीक है इसकी बात कर लेते हैं अब लीनियर इक्वेशन सिस्टम देखो क्या है होमोजीन सिस्टम भी होता है मेरे पास और नॉन होमोजीनियस सिस्टम भी होते हैं तो पहले हम बात कर लेंगे होमोजीनियस सिस्टम के लिए तो सिचुएशन क्रिएट करते हैं ठीक है तो पहले हम बात करेंगे होमोजीनिक सिस्टम के लिए मतलब जब मेरे पास क्या हो एक्स इक्वल टू जीरो हो जब मेरे पास ए एक्स इक्वल टू जीरो होगा तो इसकी कहानी देख लेंगे अलग इसकी कहानी होगी ठीक है एक्स इक्ट जीरो की और जब ए एक्स इक्वल टू सॉरी ए एक्स इक्वल टू क्या होगा मेरे पास बी होगा तो इसकी कहानी क्या होगी अलग होगी ठीक है दोनों की कहानी अपनी अपनी है तो इनकी कहानी पहले स्टार्ट करते हैं तो सोल्यूशन यहाँ पे दो तरीके से आ रहे होगा जब भी सोल्यूशन की बातें आएंगे तो आप दो बातें देखेंगे एक देखेंगे कंसिस्टेंट सोल्यूशन है यानी कंसिस्टेंट और एक बात करेंगे इनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कब हमारा सोल्यूशन कंसिस्टेंट होता है कब मेरा सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट होता है इसका मतलब समझिए सल्यूशन कंसिस्टेंट का मतलब ये हुआ कि वो कम से कम सल्यूशन एक तो पक्का ही रख रहा होगा मतलब सोल्यूशन एजिस्ट होगा तो बोलेंगे सोल्यूशन कंसिस्टेंट हो रहा है सोल्यूशन इजिस्ट नहीं होगा तो बोलेंगे सल्यूशन इनकंसिस्टेंट हो रहा है एजिस्ट का मीनिंग हुआ कि कम से कम एक सोल्यूशन तो रखे ही रखे ठीक है एटलीस्ट वन सोल्यूशन तो उसके अंदर होना ही चाहिए तो कंसिस्टेंट होता है और अगर इनकन्सिस्टेंट के बारे में बात करें हम तो वो क्या होना चाहिए कि कोई भी सोल्यूशन रखे मतलब होता है नो सल्यूशन नो सल्यूशन का केस में बोलते हैं इनकंसिस्टेंट तो आई थिंक आपके बाद समझ में आ रही होगी कंसिस्टेंट और नो no कंसिस्टेंट का मतलब समझ में आया होगा कि क्या हम बता रहे हैं जैसे कि आप लोग को पहले सॉल्व करते थे मैं आपको एक्जाम्पल देता हूँ कि हम लोग बहुत पहले सॉल्व करते थे कि जब भी हमारे पास कोई दो लीनियर इक्वेशन दी जाती है फॉर टू वेरिएबल के लिए जैसे कि मान लीजिए हमने दिया है टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू फाइफ एंड हमने दिया एक्स प्लस फोर इक्वल टू सिक्स तो इस टाइप के सोल्यूशन को हम लोग सॉल्व कर लेते थे और सिंपली तरीके से आंसर निकाल लेते थे ठीक है तो सोल्यूशन तो यूनिक होता था सोल्यूशन ये तो वो यूनिक देता था ठीक है ये तो हमारा इन्फिनाइट सोल्यूशन देता था इंफिनाइट सोल्यूशन देता था या फिर हमारे पास क्या देता था नो सोल्यूशन नो no सोल्यूशन तो हमने कहा, कहा मतलब कि क्या कहा कि यूनिक सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन तब रहता था जब हमारे पास क्या होता कि मान लिया कोई लेनेर इक्वेशन है फर्स्ट लेनेरी इक्वेशन कोई ऐसे गई और ठीक है लीनर इक्वेशन और दूसरी कोई लेने इक्वेशन मान लो ऐसे गई अगर वो किसी एक पॉइंट पे कट कर रही है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं एटलीस्ट वन पॉइंट ये इंटरसेक्ट पॉइंट हो जाएगा आपका ठीक है तो अगर वो एक पॉइंट पे कट कर रही हैं तो हम बोलते थे क्या होगा मेरा यूनिक सोल्यूशन होगा क्या होगा यूनिक सोल्यूशन होगा और इनफ्रेंट सोल्यूशन तब होता था जैसे मान लीजिए पहली इक्वेशन लाइन लीनियर इक्वेशन ऐसी है और दूसरी इक्वेशन कुछ इस टाइप से है सॉरी दूसरी लीनियर इक्वेशन कुछ इस टाइप से है ये मेरे पास दूसरी लीनियर इक्वेशन हो गई ठीक है वही दूसरे की पैरेलल होती थी क्या होती थी पैरेलल यहां पे होता था इंटरसेक्ट एट टाइप वन पॉइंट इंटरसेक्ट करनी चाहिए यहाँ पे क्या होता था पैरेलल होती थी अगर वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती थे तो मैं कह सकता हूँ कि वो इन्फ्रेंस सोल्यूशन देता था और नो सोल्यूशन का मतलब होता है सॉरी इन्फ्रेंस सोल्यूशन नहीं मतलब नो सोल्यूशन देता था अगर वो एक दूसरे के पैरेलल होती थी तो मतलब कह दे सकते थे हम लोग कि वो नो सोल्यूशन देता था और इन्फ्रेंस सोल्यूशन का मतलब होता है वो एक दूसरे को कंसाइड कर जाएँ कंसाइड का मीनिंग ये हुआ कि हम एक पहले आपका बना लें लीनियर इक्वेशन ये दूसरी पहले लीनियर इक्वेशन हुई और इसी में हम क्या कर दें एक दूसरी लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन ड्रा कर लें ये जो बन रही है वो दूसरी लीनियर इक्वेशन है ठीक है लेंथ बड़ी हो सकती है लेकिन वो ऐसी होनी चाहिए कि एक दूसरे को कंसाइड कर जाए तो कंसाइड हो गया तो मैं इस सिस्टम को नाम दूंगा इस सिस्टम कैसा होगा ये इन्फोनाइट सोल्यूशन क्योंकि इसमें जो इंटरसेक्ट पॉइंट होंगे वो क्या होंगे इन्फाइट होंगे देखो एक्चुअली सिस्टम का मीनिंग और सोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है सोल्यूशन का मीनिंग ये होता है कि जब भी कोई हम इक्वेशन लेते हैं मान लीजिए हमने एक इक्वेशन लिया ए एक्स इक्वल टू बी हमने मान लो एक क्वेश्चन ले लिया मान लीजिए लाइन ड्रा किया फर्स्ट इक्वेशन तो इसमें ऐसे कितने पॉइंट हैं जो इस इक्वेशन में सर्टिफाई कर सकते हैं तो इन्फाइनाइट सोल्यूशन होते हैं ना इसके इन्फेनाइट पॉइंट होते हैं तो मतलब कोई एक सोल्यूशन मान लो टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू टू की बात करें हम तो मान लो उसकी लाइन हमने ये ड्रा किया ठीक है ये लीनियर इक्वेशन हुआ इसका ये लीनियर लाइन line हुआ तो ये लाइन जो मेरी होगी ये लाइन इक्वेशन नहीं है तो लाइन जो मेरी है इसमें ऐसे जितने भी पॉइंट हैं जो इस लाइन पर कंसाइड हैं ठीक है ये सारे पॉइंट हम आपको पॉइंट दिखा देते हैं ये सारे पॉइंट जो इस point, इस लाइन के ऊपर हैं ये सारे के सारे पॉइंट क्या होंगे इसके सल्यूशन होंगे और बात करते हैं जब सिस्टम की बात करते हैं तो वो सिस्टम में क्या हो जैसे मान लो दो इक्वेशन हमारे पास हैं ठीक है थीके? तो ये दोनों सिस्टम का कॉमन जो पॉइंट होगा वो इस सिस्टम का सोल्यूशन होगा काम पॉइंट मतलब वो जैसे मान लो ये लाइन पहली सिस्टम को गया दूसरा सिस्टम मान लो ऐसा गया तो इन दोनों का कॉमन पॉइंट कितना है केवल कि एक कॉमन पॉइंट है केवल एक कॉमन पॉइंट है तो बोलेंगे यूनिक सोल्यूशन होगा कितना होगा यूनिक सोलूशन और मान लीजिए हमारे पास कोई कॉमन पॉइंट न मिले भाई पैदल होने का मतलब क्या होगा पहली सिस्टम ये लीनियर क्वेश्चन दूसरा सिस्टम ये मान लो वो एक दूसरे के पैदल है तो ये कभी इंटरसेक्ट करेगा एक, एक दूसरे को नहीं करेगा कितना भी हम इनको आगे बढ़ा लेंगे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो हम कहेंगे पैदल का कैसे है इसलिए इसमें क्या होगा नो सोल्यूशन होगा नो no सोल्यूशन हो सकता है ठीक है लेकिन ऐसा हो जाए कि वो एक दूसरे पूरी तरीके से ओवरलैप कर जाएँ अच्छा ओवरलैप का मीनिंग ये होता है कि वो एक दूसरे को क्या कर जाए मतलब एक ऊपर एक ऐसे हो जाए कि जब पहली देखो तो दूसरी ना दिखे और जब दूसरी देखो तो तीसरी ना दिखे। मतलब पहली ना दिखे तो मतलब जैसे मेरे पास ये पहली लीनियर इक्वेशन हो गई और इसी में दूसरी लीनियर इक्वेशन कुछ इस टाइप से बन जाए कि आपके पहली ना दिखे ये दूसरी लीनियर इक्वेशन आपको इस टाइप से हो जाए जो पहली ना दिखे तो मैं कहूँगा एक दूसरे कंसाइड हो गए तो इसमें ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जो कि एक दूसरे को कंसाइड कर रहे हैं तो इसमें इनफिनाइट पॉइंट हैं जो एक दूसरे पर हैं इनफिनाइट पॉइंट्स आप काउंट नहीं कर पाएंगे इसलिए ये होता है इनफिनाइट सॉल्यूशन का केस होता है इनफिनाइट सॉल्यूशन तो कॉमन पॉइंट की देखने की बात होती है मतलब कॉमन पॉइंट मतलब जो दोनों लाइन का सिस्टम में जितने इक्वेशन है जैसे दो इक्वेशन है तो दोनों इक्वेशन के जितने कॉमन पॉइंट होंगे उसके उतने ही सोल्यूशन होंगे ठीक है तीन सिस्टम में मान लो तीन लीनियर इक्वेशन सिस्टम में सिस्टम में तीन लीनियर इक्वेशन है तो अगर तीनों सिस्टम में यानी तीनों इक्वेशन में अगर जो कॉमन पॉइंट हो जाएगा है ना जो तीनों सिस्टम में जो हमारा कॉमन पॉइंट होगा तीनों का ऐसा पॉइंट जो तीनों का कॉमन होगा वो हो जाएगा तीनों का सोल्यूशन ठीक है उतने ही सोल्यूशन हो सकते हैं उसके बात समझ में नहीं आ रही तो अगर तीन सिस्टम में तीन इक्वेशन है तो उसके क्या हो सकते हैं कि मतलब इक्वेशन उस पर डिपेंड करता है कि उनके कॉमन पॉइंट कितने हैं वन है टू हैं थ्री हैं फोर हैं फाइव हैं सिक्स हैं सेवन एट है नाइन है, 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 है या फिर इन्फिनाइट है या फिर यूनिक है ऐसा हो सकता है यूनिक है या फिर कोई भी पॉइंट ना हो कॉमन तो उसके अकॉर्डिंग लोग डिसाइड करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा इन्फिनाइट होगा यूनिक होगा या फिर वन सोल्यूशन होगा या वन मोर मोरदाइन होगा मतलब ऐसे ठीक है टू होगा या टू मोर मोरदाइन होगा तो इस टाइप से हम लोग डिसाइड करेंगे आई थिंक आपको यह बात समझ में आ रही होगी इक्वेशन की ठीक है तो हम लोगों ने यह बहुत पहले पढ़ा था तो मैंने ये जो अभी एग्जाम्पल लिखा था वो यूनिक सोल्यूशन का एग्जाम्पल था ठीक है आप करके देख लेना इसका केवल एक ही सल्यूशन एजिस्ट होगा दूसरा सोल्यूशन एजिस्ट नहीं होगा और अगर हम एक दूसरा एग्जाम्पल लिखें पैल का पैल का एग्जाम्पल ये लिख दिया जैसे मान लो टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू तो फाइव एंड यहाँ पर मैं आप लिख दूँ टू एक्स प्लस थ्री वाई टू तो सेवन ये ऐसे है इसको अगर ड्रा करके देखें ग्राफ में तो ये पैलल दिखाएंगी एक दूसरे क्या दिखाएंगे पैलल तो मतलब ये नो सोल्यूशन का एग्जाम्पल हुआ ठीक है और मान लीजिए मैं इधर ही क्या रख दूँ ये इधर मैं आपको रख दूँ ऐसे मान लो दूसरे क्वेश्चन कुछ इस टाइप से रख दिया मैंने आपका ठीक है फोर एक्स प्लस सिक्स वाई इक्वल टू टेन अब ये ऐसे ही हैं जो एक दूसरे पर कंसाइट कर जाएंगे तो ये क्या होंगी ये मेरे कैसे सिस्टम का सलूशन होगा ये इंफरनेट सिस्टम का सलूशन होगा तो मैंने आपको तीनों एग्जांपल दिए जो आपकी हमने बहुत पहले सीख रखा है ठीक है लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ऐसे ही रहेगा तो मैं आपको और भी कुछ समझाता हूँ थोड़ा सा और इसको ध्यान से समझिए आप ठीक है बहुत ही सिंपल है लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देने वाली बातें हैं थोड़ा इनको ध्यान देना तो मज़ा आएगा आपको आगे क्योंकि ये बेसिक है इससे रिलेटेड हमारे काफ़ी काम होने वाले हैं आगे भी तो जैसा कि मैंने आपको बताया सिस्टम सोल्यूशन कैसे रखता है आपने समझा कि अगर मान लो दो लाइन है ठीक है सिस्टम में अगर दो लाइन है तो हमने क्या कहा कि दोनों का कॉमन पॉइंट आपको देखना है अगर दोनों का कॉमन पॉइंट हमारा मिल रहा है जितने कॉमन पॉइंट होंगे उसके उतने ही सोल्यूशन हो सकते हैं ठीक है थीके? फाइनाइट भी हो सकता है इनफाइनाइट भी हो सकते हैं है, कुछ भी हो सकता है या फिर कोई भी पॉइंट कॉमन न मिलेगा तो कोई भी सोलूशन नहीं होगा लेकिन आप ये देखें ध्यान से मान लो एक्स इक्वल टू जीरो का एग्जाम्पल हम लेते हैं तो यार इसमें तो एक ऐसा सोल्यूशन तो पक्का एक पॉइंट ऐसा होगा जो सभी के लिए कॉमन होगा वो क्या होगा वो हो जाएगा जीरो सोल्यूशन मतलब सिस्टम अगर जीरो सल्यूशन दे दे तो ये तो पक्का ही सेटिसफाई करेगा एक क्वेश्चन को तो मतलब एक सोल्यूशन में पक्का सिस होगा तो क्या ये इनकन्सिस्टेंट कभी हो सकता है तो जो हमारा होमोजीनस सिस्टम होता है यानी कि एक्स इक्वल टू जीरो का जो फॉर्म होता है तो वो हमेशा बी ऑलवेज कंसिस्टेंट वो इनकंसिस्टेंट नहीं होता बी ऑलवेज़ कंसिस्टेंट तो ये हमारा क्या होगा हमेशा कंसिस्टेंट होगा ठीक है इनकंसिस्टेंट नहीं क्या होगा कंसिस्टेंट होगा आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है तो हमने क्या बोला कि जो हमारा सिस्टम अगर होमोजीनियस सिस्टम है कैसा है ये होमोजीनस सिस्टम है मतलब ए एक्स इक्वल टू जीरो का फॉर्मेट है तो ये पहली बात तो ये क्या होगा बी आलवेज बी आलवेज तो मतलब एक बात तो कंफर्म हो रही ना बी आलवेज कंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ ये पक्की बात है कि ये सोल्यूशन कम से कम एक सोल्यूशन तो रखे रखेगा ठीक है बी आलवेज कंसिस्टेंट एक बात तो कंफर्म ठीक है अब बात आती है क्या इसका ये सल्यूशन क्या क्या हो सकता है तो इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि यूनिक हो सकता है या फिर मोर देन वन हो सकता है मोर देन वन इनफ्रेंट नहीं बोलेंगे मोर देन वन बोलेंगे यहाँ पर तो क्योंकि टू भी हो सकते हैं थ्री भी हो सकते हैं इसलिए हम मोर देन वन बोलेंगे तो क्या हो सकता है यूनिक सोल्यूशन हो सकता है अगर यूनिक सोल्यूशन है तो उसका सोल्यूशन पक्की बात है कि यूनिक सोल्यूशन में जीरो काम है जीरो काम जीरो ही हो सकता है अदरवाइज कुछ नहीं ठीक है ये तो सोल्यूशन पक्का जिसका यूनिक में यही सोल्यूशन देगा ठीक है जीरो सोल्यूशन और या फिर वन मोर देन हो सकता है वन मोड़ दैन बासत में आ रही ना तो वन मोर देन कोई भी हमारा सोल्यूशन वो दे सकता है तो हमने क्या कहा अगर हमारा होमोजीनिस सिस्टम होता है तो पहली बात तो ये हो गया कि वो कंसिस्टेंट होगा हमेशा मतलब वो कम से कम एक सोल्यूशन तो पक्का ही देगा ठीक है और वो क्या होगा जीरो सोल्यूशन तो पक्का ही देगा यूनिक सोल्यूशन में बात करेंगे हम तो जीरो सोलून तो पक्का ही देगा वो तो यूनिक यही हो सकता है और वन मोर देन का मतलब हुआ कि कोई दूसरा भी एग्जिस्ट हो जाए ठीक है इसके अलावा दूसरा भी हो तो जाए मतलब वन मोर मोरदाइन हो सकता है बस अन्य रिक नहीं आ रही है कौन पॉइंट ही देखते हैं सोल्यूशन के लिए हम लोग यही बात समझें इसमें ठीक है अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं बाई नोट्स आप अपने बनाते जाना ठीक है मैं आपको नेक्स्ट डिस्कस करने वाला हूँ इनकन्सिस्टेंट सॉरी हमारे पास अगर नॉन होमोजीनियस सिस्टम आता है तो उसमें हम लोग क्या कह रहे ठीक है अब नॉन होमोजीनियस सिस्टम आता है तो उसको हम क्या कहेंगे चलो उसको देख लेते हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम के लिए होमोजेनियस सिस्टम इसमें क्या होता है ना कि ए एक्स इक्वल टू ये बी टाइप का मैट्रिक्स सॉरी इक्वेशन होगा एक्स इक्वल टू बी जो कि बी हमारा क्या होगा नॉन जीरो होगा अब यहां पे हम बात करेंगे तो ये मेरा हो सकता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बोथ ठीक है कैसे इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट बोथ कैसे मतलब हम आपको बताते हैं तो ये मेरा कंसिस्टेंट भी हो सकता है ये मेरा इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है अब यहाँ पे कहानी हो सकती है ठीक है अगर सभी जो लाइंस होंगे वो पैरेलल हो जाएंगे तो मेरा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा।, जाएगा अगर मान लो कि इससे पैरेलल नहीं होती तो कंसिस्टेंट हो सकता है ठीक है तो इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट और यहां पे आया कंसिस्टेंट 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 Stand, का मतलब होता है कि नो सिस्टम में कोई सोल्यूशन नहीं होगा नो no सोल्यूशन और कंसिस्टेंट का मीनिंग होता है यूनिक सोल्यूशन देगा इसका मीनिंग क्या होता है यूनिक सोल्यूशन दे सकता है ये यूनिक या फिर ठीक है या फिर हमारा मोर देन वन सोल्यूशन दे सकता है मोर देन वन सोल्यूशन या फिर इनफ सोल्यूशन तो ये हुआ कंसिस्टेंट की कहानी आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी कि सिस्टम मेरा सोल्यूशन किस किस टाइप से देता है ठीक है अगर ये बात आपको समझ में आ गया है तो फिर हम आगे लेकर चलते हैं आपको देखो अभी मैंने आपको पहले बताया था ये बेसिक डेफिनेशन मैं आज डिस्कस करूंगा जैसे कि आप दिक्कत आप ये देख ही रहे हैं और ये हम बहुत पहले से ऑब्जर्व करते हुए आ रहे हैं क्लास टॉल्स में भी ऑब्जर्व किया होगा पहले भी ऑब्जर्व किया होगा ठीक है अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट हमारा जो इसमें मोटो होगा वो ये होगा कि डिजनरेटेड लीनर इक्वेशन क्या होता है ठीक है नोट कर लेना आप लोग मैं आगे लेकर चलता हूँ आपको तो ये हो जाएगा डी जनरेट लीनर इक्वेशन जनरेट लीनियर इक्वेशन चलो इसको समझ लेते हैं क्या होता है तो जैसे कि हम कोई भी एक इक्वेशन लेंगे लीनियर इक्वेशन लेंगे ए एक्स इक्वल टू बी का ठीक है ए एक्स इक्वल टू बी लिए हमने इक्वेशन ले लिया और मैंने आपको बोला कि ये जो मेरा ए है ना उसके जितने भी यानी कि जितने भी इसके कॉफिशियंट है ना एक्स के वो सभी क्या होने चाहिए जीरो होने चाहिए एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ तभी आपको समझ में आएगा ऐसे नहीं ठीक है मान लीजिए मेरे पास कोई क्वेश्चन मैंने कहा एग्ज़ाम्पल ले लिया हमने कहा ऐसा कोई मेरे पास लेने क्वेश्चन है जीरो एक्स वन प्लस जीरो एक्स टू प्लस जीरो एक्स थ्री प्लस एंड सो वन यहाँ पे जीरो एक्स एन इक्वल टू हमारे पास कोई बी ठीक है ऐसा है तो यानी इस जितने भी वेरिएबल के कॉफिशेंट हों वेरिएबल के जितने भी कॉफिशेंट हों वो सारे के सारे क्या होने चाहिए जीरो होने चाहिए क्या होने चाहिए जीरो होने चाहिए देन हम कह सकते हैं कि जो सिस्टम होगा मेरा लीनियर इक्वेशन होगा वो कैसा होगा डिजनरेट होगा ठीक है वो क्या हो जाएगा डिजनरेट होगा बस समझ में आएगी नहीं तो इसका मतलब हुआ अगर मैं इसके सोल्यूशन की बात करूंगा सोल्यूशन ऑफ डिजनरेट ठीक है डिजनरेट लीनियर इक्वेशन देखो इनके कंसेप्ट को आप समझिए ठीक है इनके क्वेश्चन में कंसेप्ट ही मेन होते हैं क्योंकि हमारे आगे भी यूज होते रहते हैं इसलिए मैं आपको इनके कंसेप्ट ही भी ज़्यादा फोकस करा रहा हूं ठीक है तो अगर हम बात करेंगे सोल्यूशन तो वो केवल डिपेंड करेगा इसका सोल्यूशन डिपेंड करेगा केवल एक बात पर वो हमेशा डिपेंड करेगा डिपेंड्स ऑन बी वो डिपेंड करेगा केवल बी पर पहला केस अगर बी मेरा नॉन जीरो होता है तो ठीक है अगर भी मेरा नॉन जीरो होता है तो मैं बोलूंगा देन हम कह सकते हैं देन वी कैन से द इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन अगर भी मेरा नॉन जीरो होता है मतलब यहां वाली जो वैल्यू है बी जो बी होता है ये हमारा बी वो क्या आ जाए ये बी जो हमने अभी एग्जाम्पल में लिखा वो क्या आ जाए नॉन जीरो हो जाए अगर भी मेरा नॉन जीरो होता है देन वी कैन से कि पर क्या होगा नो सोल्यूशन होगा ठीक है क्या होगा नो no सोल्यूशन और अगर बी मेरा क्या हो जाए इफ बी मेरा क्या हो जाए, हो जाए? तो B अगर जीरो जीरो हो जीरो होता है देन ठीक है एवरी वेक्टर एवरी वेक्टर जो भी वेक्टर होगा वो पूरा पूरा सोल्यूशन दे देगा आपका वो पूरा ही उसका सोल्यूशन होगा जो के वन के टू मान लीजिए जो, तो जो भी वेक्टर आपको गिवन होगा वो पूरा पूरा वेक्टर क्या हो जाएगा आपका सोल्यूशन हो जाएगा ठीक है वो पूरा पूरा वेक्टर आपका क्या हो जाएगा सोल्यूशन हो जाएगा इज अ सल्यूशन आपको बात समझ में आएगी नहीं आई तो पूरा का पूरा जो भी वेक्टर होगा वो आपका सोल्यूशन हो जाएगा कब जब बी इक्वल टू जीरो होगा लेकिन अगर बी इक्वल टू नॉट जीरो होता है तो हम कह सकते हैं कि उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा तो सिस्टम का को कोई सोल्यूशन नहीं होगा जब तो मेरा डी जनरेट होता है ठीक है बात समझ में आएगी नहीं आगी ठीक है क्लियर हो गया लेकिन अगर हमारा सिस्टम लीनर इक्वेशन नॉन डिजेनरेट हो तो नॉन यानी कि अब इसको देखते हैं नॉन डिजेनरेट नॉन डिजेनरेट लीनर इक्वेशन ठीक है नौन डिजनरेट, नौन डिजनरेट अब इस वाले केस में देख लेते हैं क्या होने वाली बात है इसमें समझने वाली बात इतना है कि अगर ऐसा होता है तो अब मुझे उसमें क्या देखना पड़ेगा एक लीडिंग वेरिएबल होते हैं एक होते हैं जिसको हम पाइवेट वेरिएबल भी बोलते हैं और यहाँ पे फ्री वेरिएबल होते हैं तो हमें समझना है अगर इस वाले केस में हमें देखना है तो हमें इस समझना पड़ेगा लीडिंग वेरिएबल के बारे में यहीं से हमें कहानी थोड़ा अच्छे समझनी चाहिए ठीक है लीडिंग वेरिएबल लीडिंग वेरिएबल ठीक है या फिर इसको पायोट वेरिएबल भी बोलते हैं पायोट वेरिएबल ठीक है और यहां पे अदर जो आएंगे ना लीडिंग वेरिएबल को छोड़ के अदर जो होंगे अदर उनको हम लोग क्या बोलते हैं उनको हम लोग बोलते हैं फ्री वेरिएबल फ्री वेरिएबल ठीक है उनको क्या बोलेंगे हम लोग फ्री वेरिएबल बोलेंगे बास अन मैरिंग नहीं आ रही है तो लीडिंग वेरिएबल यानी कि प्राइवेट वेरिएबल उनको छोड़कर जितने भी हमारे पास होंगे वो क्या होंगे फ्री वेरिएबल हमारे पास होंगे वो ठीक है फ्री वेरिएबल होंगे तो अब यहाँ पे मैं तुम्हें सिचुएशन देता हूँ जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि लीडिंग वेरिएबल कौन है और फ्री वेरिएबल कौन है ठीक है मैं आपको दो लेने के क्वेश्चन यहाँ पे राइट कर रहा हूँ ठीक है पहला जीरो एक्स वन प्लस जीरो एक्स टू ठीक है प्लस फाइव एक्स थ्री एंड प्लस सिक्स एक्स फोर एंड प्लस ज़ीरो एक्स फाइव प्लस यहाँ पे एट एक्स सिक्स ठीक है और इक्वल टू हमने लिख लिया सेवन वन ये इसमें बताओ अच्छा इसमें लीडिंग वेरिएबल कितने मेरे पास हैं इसमें लीडिंग वेरिएबल होगा एक्स थ्री एक्स थ्री क्या होगा लीड करेगा और बाकी जितने होंगे वो क्या होंगे फ्री वेरिएबल होंगे तो क्यों क्योंकि मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूँ फाइव एक्स थ्री इक्वल टू और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई ये तो जीरो एन से कोई मतलब है नहीं तो ये हमारा नान जीरो से देखेंगे हम लोग तो फाइव एक्स थ्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम सेवन और माइनस सिक्स एक्स फोर लिख सकते हैं हम लोग और यहाँ पे माइनस एट एक्स सिक्स लिख सकते हैं तो ये सारे जितने भी अदर वेरिएबल हैं मतलब इसको छोड़ कर किसको छोड़कर एक्स थ्री को छोड़कर बाकी जितने भी वेरिएबल होंगे वो मेरे क्या होंगे फ्री वेरिएबल होंगे एक्स थ्री मेरा क्या होगा वो मेरा लीडिंग वेरिएबल होगा तो दिस इज़ कॉल्ड लीडिंग वेरिएबल लीडिंग अ नॉन से लीडिंग वेरिएबल बोल सकते हो तो ये हो जाएगा लीडिंग वेरिएबल ठीक है नहीं समझ में आया तो एक एग्जाम्पल लो लेते हैं एग्जाम्पल नंबर टू इसके अकॉर्डिंग समझते हैं ठीक है बहुत सिंपल है लेकिन फिर भी इसको ध्यान देना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ठीक है ना जैसे तो मान मैं लो मैंने आपको दिया जीरो एक्स प्लस टू आई और माइनस फोर जेड इक्वल टू फाइव और हमने आपसे ये कहा कि इसमें लीडिंग वेरिएबल क्या होगा तो आप लीडिंग वेरिएबल क्या एक्स को बोलेंगे या फिर वाई को बोलेंगे तो एक्स तो एक्स का कॉपिशन क्या मेरे पास जीरो इसलिए एक्स को हम लीडिंग वेरिएबल नहीं बोल सकते हैं तो यहाँ पे इसका कॉपिशन नॉन जीरो है तो मतलब इसको हम बोल सकते हैं तो मेरा क्या हो गया? ये leading variable होगा ये लीडिंग वेरिएबल होगा ठीक क्या हो जाएगा लीडिंग वेरिएबल ठीक है तो ये कैसा हो जाएगा ये अदर जितने हो जाएंगे वो मेरे क्या हो जाएंगे फ्री वेरिएबल हो जाएंगे बात समझ में आ रही नहीं आ रही है तो यहाँ पे हमने देखा कि जो भी हमारा फर्स्ट अनन नोन जो भी होगा फर्स्ट अन नोन अपियर्स ठीक है और लेकिन उसका कॉफ्यूजन क्या होना चाहिए जीरो नॉन जीरो होना चाहिए तभी उसको हम क्या बोल सकते हैं लीडिंग वेरिएबल बोल सकते हैं आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो चुकी है ठीक है लीडिंग वेरिएबल आपको क्लियर हो चुका समझ में आ गया फ्री वेरिएबल क्या होते हैं जिसको आप फ्रीली तरीके से कुछ भी रख सकते हैं और इसके करस्पॉन्डिंग हमारा वाई फाइंड हो जाएगा तो उसको बोलते हैं फ्री वेरिएबल और यहाँ पे बोलेंगे लीडिंग वेरिएबल तो आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो चुकी है ठीक है अब अगर ये क्लियर हो चुका है तो फिर मैं आपको कुछ बातें और इसमें बताऊंगा जैसे कि मान लीजिए कोई लिनियर इक्वेशन है मेरे पास ठीक है मान लीजिए कोई लीनियर इक्वेशन है मेरे पास लीनियर इक्वेशन ठीक है लीनियर इक्वेशन इन वन अनोन अनोन अब इसको समझ लेते हैं एक नोन का मतलब हुआ कि जो सिस्टम होगा मेरे पास कंसिडर कर लो उसको ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्मेट में कंसिडर कर लो ठीक है अब यहाँ पे देखो अगर हमारे पास सिस्टम कोई वन अन है भाई इस टाइप से कोई होगा ठीक है तो इसमें क्या होगा इफ अगर हम बात कर रहे हैं कि ए अभी सोल्यूशन कैसे कैसे देगा देखो इफ अगर ए मेरा डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है ए मेरा डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो हम क्या कहेंगे सोल्यूशन कैसा देगा यूनिक देगा या कैसा देगा अगर ए मेरा डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है देन तो सोल्यूशन ये यूनिक देगा वो सोल्यूशन कैसा होगा एक्स इक्वल टू बी अपान ए होगा तो इस वाले केस में यूनिक सोल्यूशन देगा यूनिक सल्यूशन वो सोल्यूशन क्या होगा एक्स इक्वल टू बी अपान ए होगा ये भी क्लियर हो गया आई थिंक ठीक है दूसरा नंबर क्या कहता है भाई दूसरा नंबर मेरा ये कहता है कि इफ ठीक है इफ ए इक्वल टू जीरो एक्वल टू जीरो बट बी डज नॉट इक्वल टू जीरो अब इसको समझना अगर ए इक्वल टू जीरो है और बी डज नॉट इक्वल टू जीरो है तो हम क्या कह सकते हैं अब समझो ठीक है देन तो हमारा क्या होगा एक्स इक्वल टू बी इस वाले केस में ठीक है हैज़ नो सोल्यूशन इस वाले केस में क्या होगा सोल्यूशन इक्वेशन मतलब सोल्यूशन नहीं देगा ठीक है एग्जाम्पल एग्जाम्पल बड़ा सिंपल सा यार मान लीजिए आपने कहा थ्री एक्स सॉरी आपने कहा जीरो एक्स इक्वल टू फोर तो बताओ एक्स इक्वल टू क्या देगा फोर अपान जीरो मतलब डिफाइन नहीं हो पा रहा है क्या सोल्यूशन दे रहा है तो मतलब नो सोल्यूशन ठीक है इस टाइप से और अगर मान लीजिए हमने आपसे कहा कि थ्री एक्स इक्वल टू फोर तो हमने कहा एक्स की वैल्यू क्या हो गया तो आपने बोला एक्स इक्वल टू फोर अपान थ्री मतलब यूनिक सेल्यूशन इसके अलावा कुछ और हो सकता है नहीं यूनिक सल्यूशन ये बात बोली जा रही है ठीक है थर्ड नंबर आपके पास क्या है भाई थर्ड नंबर आपके पास ये कह रहा है कि मान लो इफ ए इक्वल टू जीरो एंड बी इक्वल टू दोनों ही जीरो हो मतलब ए इक्ल टू जीरो हो और बी इक्वल टू जीरो इस वाले केस में क्या होगा तो भाई इस वाले केस में ए एक टू बी सॉरी एक्स इक्वल टू बी जो होगा वो इनफ्रेट सोल्यूशन देगा ए एक्स इक्वल टू बी क्या देगा इंफोनाइट सॉल्यूशन देगा मान लीजिए दोनों सॉल्यूशन मेरे पास ये मान लो कि एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुम्हें मान लो जीरो एक्स इक्वल टू जीरो तो एक्स की कौन कौन सी वैल्यू जो इसको सेटिसफाई करेगा चाहे आप कुछ भी रखें पूरा पूरा रियल सिस्टम रख लें तो बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं जो इसको सेटिस्फाई कर सकता है है कि नहीं तो ये क्या देगा इन्फोनाइट सॉल्यूशन देगा आई थिंक आपको ये बात समझ में आ चुकी है कि अगर मैं वन वे अन की बात करूंगा तो उनमें केसेस मैंने बताया आपको इस वाले केस में इतना सोल्यूशन देगा इस वाले केस में इतना देगा और इस वाले केस में इतना तो आपको पूरी ये भी बात क्लियर हो चुकी है कि अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के लिए होता है तो हम लोग ये भी बता सकते हैं कि कब का वो सिस्टम कैसे कैसे सोल्यूशन देगा ठीक है अभी हमने डिस्कस भी किया था थोड़ी देर पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन ठीक है ऑफ टू अगर टू अन्स है तो नंबर ऑफ़ जो इक्वेशन होंगे वी टू होंगे तो मतलब हमने ऐसे ले लिया कि ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इक्वल टू सी वन एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल टू सी टू मेरे पास मान लो ऐसे हैं तो यहाँ पे तीन कैसे से राइज हो जाते हैं ठीक है तीन केसेज राइज़ होते हैं फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग मैं क्या कह सकता हूं यूनिक सोल्यूशन अभी मैंने इस बात को बताया था यूनिक सोल्यूशन ठीक है सेकेंड केस के अकॉर्डिंग मैं क्या कह सकता हूं कि हाँ मेरा नो सोल्यूशन दे सकता है सॉरी इन्फाइट सोल्यूशन ले लो इन्फाइट सोल्यूशन और लास्ट केस मेरा हो सकता है कि हाँ ये नो no सोल्यूशन दे सकता है अब ये मेरा ये यूनिक सोल्यूशन कब देगा मैंने अभी आपको बताया सोल्यूशन का मीनिंग मैंने आपको समझाया था कि मान लीजिए कोई लाइन है मेरे पास इसके जितने भी पॉइंट होते हैं वो इसको क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे और जो वो सारे पॉइंट जो इस इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे वो क्या होंगे वो इसके सोल्यूशन होंगे ठीक है मतलब इस वो सारे पॉइंट जो इस पर होंगे मतलब इस पर कंसाइड हो जाएंगे वो क्या होंगे वो उसके सोल्यूशन होंगे अब मेरा सिस्टम दिया जाता है तो आपको ऐसा आपको वैल्यू ढूंढना है जो उस पूरे सिस्टम को सेटिस्फाई करे ठीक है मतलब ऐसे एक्स और वाई के मान जो दोनों ही क्या करें सटिसफाई कर दे तो वो इसका सल्यूशन माना जाता है वो तभी हो सकता है वो जो दोनों का पॉइंट कॉमन होना चाहिए जैन जैसे मान लो मेरे पास एक्स कॉर्डिनेट वाई कोर्डिनेंट में हम लोग ये पॉइंट ड्रा करते हैं ठीक है थीके? ये हम लोग ऐसे ड्रा करते हैं तो ऐसी लाइन जैसे कि हमने ये पहली लाइन ड्रा कर लिया मान लो और इसकी दूसरी लाइन हमने ऐसे ड्रा कर लिया ठीक है तो दूसरी लाइन ये मिल गई पहली लाइन ये मान लो मिल गई तो अब इस पॉइंट पौन, पॉइंट से आपको पता चला है कि इसका जो कॉमन पॉइंट है वो ये है तो अगर कॉमन पॉइंट एक मिल रहा है ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइन में हो है ना दोनों लाइन को कंसाइड करें यानी कि कॉमन पॉइंट अगर कॉमन पॉइंट वन है तो इसका मतलब उसका सोल्यूशन भी क्या होगा वन होगा यानी यूनिक होगा अगर कॉमन पॉइंट उसके है तो मतलब उसका सोल्यूशन क्या होगा इन्फोनाइट होगा अगर उसका कोई कॉमन पॉइंट नहीं मतलब नो no सोल्यूशन होगा अच्छा कब दो लाइन का कॉमन पॉइंट नहीं होता है ग्राफ फुल की अगर हम बात करें तो अगर इंटरसेट कर रहा है तो केवल एक यूनिक पॉइंट होगा क्या करेगा इंटरसेट करें अगर दोनों लाइन क्या करें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें इंटरसेक्ट करेंगे तो मैं बोलूंगा हाँ यूनिक देगा अगर मान लो इन्फ्रेंट कब देगा जब वो एक दूसरे को क्या कर जाए कंसाइड कर जाए बोलूंगा इन्फ्रेंट देगा और नो सोल्यूशन कब देगा जब वो एक दूसरे को पैरल हो जाए क्योंकि पैल एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिलता है तो उसमें वो इन्फ्रेंट देगा देखो जब कंसाइड करेंगे एक दूसरे ऊपर एक आ जाएंगे तो इसमें बहुत सारे इंफ्रेंट कॉमन पॉइंट आ जाएंगे जिससे इन्फ्रेंट सोल्यूशन दे देगा और जब वो एक दूसरे को होंगे ना तो उसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा इसका मतलब ये हुआ कि वो सोल्यूशन कैसा देगा नो सोल्यूशन देगा तो यही हमारे सामने मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा ठीक है अभी भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था हालांकि लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगा क्योंकि ये हमारे सीरीज में आ रहा है तो हम इसको बताएंगे एक बार फिर से ढंग से डिस्क्राइब कर देंगे ठीक है तो आप डायरेक्टली देख के भी बता सकते हैं मतलब आपको सोलेशन करने की जरूरत है नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर ए वन अपान ए टू किया आपने ए वन अपान ए टू और डज नॉट इक्वल टू निकल आए है बी वन अपन बी टू के तो हम कह सकते हैं वो यूनिक सोल्यूशन देगा अगर ए वन अपॉन ए टू आप कर रहे हैं वो इक्वल हो जाए बी वन अपॉन बी टू के और वो इक्वल हो जाए सी वन अपान सी टू के देन वी कैन से कि मेरा क्या होगा इन्फ्रेंट सोल्यूशन होगा और अगर मेरे पास क्या हो रहा है कि ए वन अपान ए टू कर रहे हो वो इक्वल हो रहा है बी वन अपान बी टू के बट डज नॉट इक्वल हो रहा है सी वन अपान सी टू के तो वी कैन से कि ये हमारा क्या होगा नो no सोल्यूशन होगा ये मेरा क्या होगा नो no सोल्यूशन होगा तो आई थिंक आपको समझ में आएगा नो सोल्यूशन कब होगा इन्फ्रेंट कब होगा तो जैसे मैं कोई एक्जाम्पल ले रहा हूँ आप एग्जाम्पल से देख के बता सकते हैं और ग्राफ के लिए भी चेक कर सकते हैं जैसे मैंने लिया टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू फाइव एंड अभी मैंने ये दिया था ठीक है इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ ये हो जाएगा मेरा एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू वन मान लो ये मैंने ले लिया इसको आप सॉल्व करेंगे तो पहले इसमें टू से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि ये हमारा वेरिएबल हो जाए तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो टू एक्स ये एट वाई हो जाएगा मेरे पास ये हो जाएगा मेरे पास टू सब टैड कर लेंगे ये हो जाएगा कैंसिल आउट ये हो जाएगा माइनस फाइव वाई इक्ल टू ये मेरे दे देगा थ्री अच्छा सॉल्व करने की क्या जरूरत है आपने जो यहाँ पर देखा उसके अकॉर्डिंग बता सकते हो सॉल्व करने क्या जरूरत है ठीक है चलो हम इसको सॉल्व करेंगे नहीं हमे को डायरेक्टली बताएंगे ठीक है तो हो जाएगा मेरे पास एक्स और ये मेरा हो जाएगा फोर वाई इक्वल टू तो मान लिया वन तो यहां से ए वन टू वन इक्वल टू थ्री अपॉन फोर ये दोनों डज नॉट इक्वल टू है मतलब पहला केस टू हो तो मतलब ये यूनिक सोल्यूशन देगा यूनिक सोल्यूशन देगा अच्छा अगर आप ग्राफली चेक करना चाहें तो तो ग्राफ के लिए भी चेक कर सकते हैं इससे कोई बड़ी बात नहीं है पहला मान लीजिए ऐसा हो रहा है और दूसरा मान लीजिए ऐसा हो रहा है ठीक है तो एक पॉइंट पर काटेगा मतलब ऐसे आप बना लेना ग्राफ के लिए तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा तो मतलब ये होगा कि मेरा कैसा देगा यूनिक सोल्यूशन देगा आई शोध के आपको ये बात समझ में आ रही है ठीक है तो अब मैं यहाँ पे आगे बढ़ रहा हूँ मामले को थोड़ा सा और इसको डीपली लेकर चलता हूँ मैं तो यहाँ पे थोड़ा और इसको ध्यान देना हाँ चलो ठीक है तो ये बात क्लियर होगी अब यहाँ पे देखेंगे जैसे मान लीजिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया टू एक्स और प्लस थ्री वाई और इज्क्ल टू सेवन ये मान लो एग्जाम्पल दिया अब इसको चेक करेंगे टू अपॉइंट टू इक्वल टू थ्री अपॉइन्ट थ्री इक्ल टू फाइव बाई सेवन अब देखो टू पॉइंट टू तो वन आ रहा है तो मतलब थ्री बाई थ्री वन आ रहा है मतलब ये दोनों इक्वल हुए लेकिन फाइव बाई सेवन वन नहीं आएगा तो मतलब ये डज नॉट इक्वल हुआ तो हम कह सकते हैं ये दोनों इक्वल ये इक्वल नहीं तो मतलब ये कैसा सिस्टम हो गया नो no सल्यूशन का सिस्टम हो गया नो no सल्यूशन मतलब इसके अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो कैसे हो जाएंगे पैरेलल ग्राफ होंगे ठीक है अगर मैं सेम एग्जांपल ले लूँ फाइव तो आप देख सकते हैं कि वो भी मेरा वन हो जाएगा तो मतलब एक ऐसा सल्यून देगा फिर इन फ्रेन सल्यूशन मतलब वो दूसरे को कंसाइड कर जाएगा आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो चुकी है ठीक है सारे सिस्टम आपको समझ में आ चुके हैं तो ये हो सकता है अच्छा एक सिचुएसन और हो सकती है यूनिक सोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि अगर आप इनका क्या करें डिटर्मिनेंट करें मैट्रिक्स से बनाएं और उसका क्या करें डिटर्मिनेंट करें तो वो क्या होगा इधर ए वन इधर ए टू इधर बी वन इधर बी टू और ये हो जाएगा ए वन बी टू और माइनस ए टू बी वन ये डज नॉट इक्वल टू जीरो तो भी हम कह सकते हैं कि ये यूनिक देगा क्या देगा मेरा ये यूनिक सोलेशन देगा तो बहुत अच्छे तरीके से आई थिंक आपको समझ में आ चुका है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है और अब हम लोग चलते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे यहाँ का टॉपिक है वो ये है आइकलन मैट्रिक्स आइकलन मैट्रिक्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जब भी लियन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट या जो भी बात करेंगे आइकलन मैट्रिक्स से ही बात करेंगे हम लोग ठीक है तो आइकलन मैट्रिक्स इस सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है ठीक है तो हम लोग जो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे आइकलन फॉर्म गैक्लन मैट्रिक्स आइलन मैट्रिक्स ठीक है तो यहां पे क्या होता है थोड़ा सा इसको ध्यान देना है तो ए मैट्रिक्स अगर हम कोई मैट्रिक्स ए जिसको हम क्या करना चाहते हैं आइक्लन फॉर्म में देना चाहते हैं तो वो तभी हो सकता है पहला पॉइंट ये होगा कि ऑल जीरोज़ रोज ऑफ एनी ठीक है ए रियल द बॉटम ऑफ तो मैं मैं डायरेक्टली एक समझाता हूँ ये नियम ज़्यादा पढ़ोड़ो नहीं ठीक है तो मैं आपको थोड़ा डायरेक्टली आपको बताता हूँ कि क्या होगा वो आइक्लन फॉर्म मैट्रिक्स मेरा क्या होगा तो मैं आपको इस चीज़ को क्लियर कराता हूँ ठीक है तो यहाँ पर मैं आपको एक फॉर्म बता देता हूँ इसी फॉर्म से आप बता सकते हैं कि आइक्लन फॉर्म मेरा क्या होगा एक्टन फो मेट्रिक्स मेरे पास क्या होगा तो जैसे कि मेरे पास मान लीजिए यहाँ पे ए वन वन आता है ठीक है और यहाँ पे ए वन टू ए वन थ्री एंड सो वन चलो हम ए वन थ्री नहीं से बताते हैं फिर ये जीरो हो जाए ये थ्री जीरो हो जाए यहाँ पे आ जाए मान लो ए टू टू यहाँ पे जीरो यहाँ पे यानी कि जैसे आप जानते हैं अपर ट्रेंग्लो मैट्रिक्स में वैसे अपर ट्रेंगलो मैट्रिक्स टाइम में ये हमारी होती है ठीक है अपर ट्रेंगलो मैट्रिक्स तो ये हमारे अपर ट्रेंगलो मैट्रिक्स टाइप में होता है और कुछ नहीं है ये यह यहाँ पे थ्री टू अपर टर्ंगलस क्या होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो मेरा कुछ भी हो सकता है ठीक है ना फॉर्म बस याद रखो ए यह यहाँ पे टू थ्री और यहाँ पे होता है ये जीरो होना चाहिए ये मेरा ए थ्री थी ऐसा नहीं है कि ये नंबर्स ये जो एलिमेंट्स होती हैं ये जो एंट्रीज होती हैं वो हमारे क्या होंगे नॉन जीरो ऐसा कोई जरूरी नहीं है ये जीरो भी हो सकते हैं नॉन जीरो होते हैं लेकिन सिचुएशंस अलग अलग होती हैं यहाँ पर ठीक है सिचुएशंस अलग अलग होती हैं बाकी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है तो ये एक्लन फॉर्म होता है और यहाँ पे आपका वेक्टर लिखा जाएगा ये तो हुआ मैट्रिक्स ए के लिए वेक्टर ठीक है और यहाँ पे जो वेक्टर लिखे जाएंगे बी के भी वेक्टर हो सकते हैं तो इधर वाले जो वेक्टर लिखूंगा मैं बी वाले वेक्टर होंगे जो हमने बी वन बी टू बी थ्री पढ़ा था वो राइट कर लो बी वन बी टू बी थ्री ठीक थी, है सिचुएशन समझो अगर मान लीजिए आइलन फॉर्म से हम चेक करना चाहें कि यूनिक सोल्यूशन देगा नो सोल्यूशन देगा कैसा सोल्यूशन देगा तो उससे समझना चाहें तो अगर ये जीरो है और ये भी जीरो है यानी लास्ट वाले एंट्रीज में ये बता रहा हूं ये जीरो है ये भी जीरो है दोनों ही जीरो है तो मैं बोलूंगा यहां पर इन्फोनाइट सोल्यूशन देगा कैसा इन्फोनाइट सोल्यूशन देगा इन्फोनाइट अभी मैं एग्जांपल दूंगा इनके ठीक है इन्फोनाइट सोल्यूशन लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ये मेरा जीरो हो और ये मेरा क्या हो नॉन जीरो ये मेरा जीरो लेकिन ये क्या हो नॉन जीरो मतलब ए थ्री थ्री मेरा क्या हो जाए जीरो हो जाए और बी थ्री मेरा क्या हो जाए नॉन जीरो इस वाले केस में क्या देगा नो सोल्यूशन देगा क्या देगा नो सोल्यूशन ठीक है और लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ये मेरा मतलब कि यहाँ पे ये जीरो हो जाए और ये जीरो हो चाहे ना हो मतलब ये कुछ भी हो नान जीरो ये जीरो कुछ भी फर्क नहीं पड़े कुछ भी हो मतलब ये जीरो हो ये नान जीरो हो या जीरो कोई दिक्कत ना हो अगर ये नान जीरो है कौन सा ए थ्री थ्री अगर ए थ्री थ्री नान जीरो है तो इस वाले केस में क्या होगा यूनिक सोलेशन देगा ये क्या होगा मेरा यूनिक सेजुशन आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई ठीक है तो मैं आपको से आपको ज़्यादा क्लियर कराता हूँ कि आइक्लॉन फॉर्म आइक्लॉन मैट्रिक्स मेरे पास क्या होता है ठीक है और इसके क्वेश्चन भी मैं आपको कराता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ आइक्लॉन मैट्रिक्स मेरे पास होता है क्या है और रिड्यूज़ ये कैसे होता है ठीक है तो मैं आपको करके बताता हूँ जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है मैं आपको रिड्यूस करके दिखाता हूँ आइलॉन मैट्रिक्स में ठीक है ये मेरे पास वन हो गया ये टू हो गया मेरे पास थ्री हो गया माइनस थ्री ये मेरे पास वन एंड ये मेरे पास टू ये तो हम ऐसे कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं जिसको रिड्यूस करना मुझे एक्लन फॉर्म में ठीक है टू हो गया फोर हो गया ये माइनस फोर हो गया मेरे पास और ये मेरे पास सिक्स हो गया और ये मेरे पास क्या हो गया टेन हो गया पहले तो हम फॉर्म में बनाना आपको सिखाते हैं ठीक है फिर मान लो ये थ्री हो गया मेरे पास ये, हो ये मेरे पास सिक्स हो गया और यहाँ पर मेरे पास माइनस सिक्स हो गया और यहाँ पे मेरे पास ये नाइन हो जाएगा और ये हो जाएगा मान लो थर्टी ठीक है अब मुझे इसको रिड्यूस करना है आइकलन फॉर्म में इसको कैसे रिड्यूस करना है आइकलन फॉर्म में तो मैं क्या करता हूँ कि इनको मैं जीरो बनाने की कोशिश करता हूँ इनको ठीक है जीरो कैसे होंगे तो मैं बोलता हूँ बाई आर टू को चेंज कर लूँ ठीक है और वन में अगर माइनस टू से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए तो ये जीरो हो सकता है एंड सिमिलर इसी तरह मैं किसको कर दूँ आई थ्री को चेंज कर लूँ और वन में अगर मैं माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है तो करते हैं भाई करते हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगी इस टाइप से ये हो जाएगा वन ये हो जाएगा टू ये हो जाएगा माइनस थ्री ये हो जाएगा वन ये हो जाएगा टू और यहाँ आ जाएगा जीरो ये भी हो जाएगा जीरो ठीक है मैं वन में माइनस टू तो से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे अगर करेंगे टूटा माइनस फोर हो जाएगा और इसमें अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो हो जाएगा मेरे पास जीरो तो ये भी मेरे पास हो जाएगा जीरो फिर यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या इसमें माइनस टू से मल्टीप्लाई किया इसमें और इसमें हमने कर दिया क्या ऐड कर दिया तो माइनस टू से माइनस सिक्स हो जाएगा यानी प्लस का सिक्स हो जाएगा ऐड करूंगा तो यह आ जाएगा टू ठीक है इसी टाइप से कर लेंगे तो ये हो जाएगा फोर और यह जाएगा मेरे पास क्या सिक्स हो जाएगा ठीक है अगला इसी टाइप से करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा जीरो और ये आ जाएगा थ्री और ये आपके पास आ जाएगा सिक्स और यह आपके पास आ जाएगा सैवन ये तो कन्फर्म हो गया कोई दिक्कत नहीं है अब मुझे ज़ीरो बनाना है किसको इधर वालों को इनको ज़ीरो बनाना है ठीक है इसे ज़ीरो हो जाएंगे भाई अब ये कैसे जीरो होंगे इनको हम देख लेते हैं ये कैसे जीरो होते हैं ठीक है तो मैं क्या कहता हूँ कि आप ऐसा करिए कि इसको ध्यान से देखें और इसको हमें जीरो वन सॉरी इससे करेंगे तो इधर हमारे नाम जीरो वैल्यू आ जाएंगे इसलिए मैं इससे करता हूँ तो हम ऐसा करते हैं कि आर थ्री को चेंज करते हैं आर टू में क्या करते हैं इधर टू से डिवाइड करके और थ्री से मल्टीप्लाई कर दें थ्री आ जाएगा तो माइनस ये हो जाएगा मेरे पास थ्री बाई टू अगर हम माइनस थ्री बाई टू से इसमें मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या थ्री आ रहा ही नहीं आ रहा है और सिंबल अपोजिट कर लो ऐड करके देखो यानी माइनस थ्री आएगा इसमें ऐड कर दो जीरो हो जाएगा तो यानी कंफर्म हो जाएगा तो मैं इसको करता हूँ ठीक है इसको करता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा ये बनता है तो ये हो जाता है मेरा वन जीरो जीरो और ये हो जाएगा मेरे पास टू जीरो जीरो ये पास माइनस थ्री ये वन और ये टू ये तो वही रहेंगे इससे कोई दिक्कत नहीं है अब हमें समझना है इसको तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या ये हो जाएगा मेरे पास टू ये फोर ये मेरे पास सिक्स और ये पास जीरो ये जीरो ठीक है ये हो जाएगा मेरे पास कितना ये हो जाएगा मेरे पास माइनस टू आई थिंक ये तो क्लियर हो गया ठीक है तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स बनी है जो लास्ट में ये जो बना इसको बोलते हैं आइकलन मैट्रिक्स इसको क्या बोलते हैं आइकलन मैट्रिक्स यही फॉर्म हुआ आइकलन फॉर्म ठीक है तो इसको बोल देते हैं आइकलन फॉर्म यानी ए को मैंने रिड्यूस किया आइकलॉन फॉर्म में तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी आई स्वेयर कि ये आपको पूरा क्लियर हो चुका ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे एक क्वेश्चन लेंगे और जिसमें आपको बताना होगा ठीक है उसका सिस्टम का सोल्यूशन बताना होगा कि क्या होगा और सिस्टम का सोल्यूशन मेरा क्या होगा ठीक है तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ एक बार फिर से क्वेश्चन ले लेता हूँ और उसको करते हैं हम लोग ठीक है तो क्वेश्चन मेरे पास क्या है सिस्टम का एक क्वेश्चन मेरे पास क्या होगा क्वेश्चन ले लेते हैं एक्स वन ध्यान से समझना इस बात को एक्स वन मेरे पास है माइनस टू एक्स टू है मेरे पास ठीक है और प्लस एक्स थ्री है इक्वल टू वन यहाँ से आपको हो जाएगा टू एक्स वन ठीक है और प्लस एक्स टू और प्लस टू एक्स थ्री और इक्वल टू टू मेरे पास है और यहाँ से हो जाएगा आपके पास माइनस एक्स वन और प्लस टू एक्स टू ठीक है और प्लस थ्री एक्स थ्री और ये हो जाएगा आपके पास थ्री ये मेरे पास क्वेश्चन है ठीक है और इसमें जो फील्ड है वो फील्ड आपको दिया गया है कितना जेट थ्री आपको जेट थ्री फील्ड दिया गया है ठीक है तो अब आप ये बताइए कि इसका सिस्टम का सोल्यूशन क्या होगा फाइंड सोल्यूशन ऑफ सिस्टम फाइंड सल्यूशन Of system. चलो देख लेते हैं कैसे होगा सिंपल क्वेश्चन है लेकिन फिर भी थोड़ा सा सेंस लगाना पड़ेगा आपको ठीक है चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले सिस्टम को रिड्यूस कर लेते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में तो ए बी के फॉर्म में हम लोग इसको रिड्यूस करते हैं ये भी मैट्रिक्स होगी तो ये मेरी मैट्रिक्स होगी जिसको मुझे रिड्यूस करना होगा फिर एक्लन फॉर्म से सॉल्व करना होगा ठीक है तो मैं आपको करके बताता हूँ ये मान लीजिए ये वन ये टू ये माइनस वन मेरे पास है ये मेरे पास माइनस टू है ये मेरे पास वन है ये मेरे पास टू है ये मेरे पास वन ये मेरे पास टू ये मेरे पास मान लो थ्री है और ये मेरे पास है वन ये मेरा टू ये मान लो थ्री ठीक है ऐसे कोई मेरे पास, पास मैट्रिक्स है अब मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं इसको आइकलन फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ ठीक है तो क्या हो जाएगा देखना तो ये मेरा हो जाएगा थोड़ा सा ध्यान देना बिकॉज मेरे पास मॉडलो थ्री है मॉडलो क्या मेरे पास थ्री तो इसको जेड थ्री तो इस मॉडलो को ध्यान में देते हुए समझना ध्यान से तो मैं इस मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकता हूँ इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करो मॉडलो थ्री के अकॉर्डिंग ठीक है ना तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे पास वन ये क्या हो जाएगा ये भी मेरे पास वन हो जाएगा ये मेरे पास वन हो, हो जाएगा और ये तो वन ही रहेगा कोई दिक्कत नहीं माइनस वाले चेंज हो जाएंगे ठीक है ये क्या हो जाएगा मेरे पास टू हो जाएगा ये मेरे पास वन हो जाएगा ये मेरे पास कितना हो जाएगा टू ये बाई मॉडलो थ्री तो इसको मैं कर रहा हूँ मॉडलो करना आई थिंक आपको आता है तो एडिशन मार्ग लो है तो माइनस टू है और प्लस में थ्री कर लें ठीक है तो कितना हो जाएगा मेरे पास वन आ जाएगा ठीक है अब यहाँ पे आ जाएगा टू कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे आ जाएगा आपका टू और यहाँ पे आपका आ जाएगा टू और यहाँ पे आपका आ जाएगा, जाएगा थ्री चलो अब मैं इसको रिड्यूस करता हूँ बाई एक्लन फॉर्म तो ये मेरा क्या हो जाएगा एक्लन फॉर्म में इसको रिड्यूस कर लेते हैं तो यहाँ से हम बाई एलिमेंट्री मैट्रिक्स लगाते हैं बाई रो एलिमेंट्री ठीक है तो रो एलिमेंट्री से मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर बाय रो एलिमेंट्री कर लेते हैं हम लोग तो हो जाएगा आर टू बाई वन माइनस टू एंड आर थ्री क्योंकि जीरो बनाना है तो उसके अकॉर्डिंग करते हैं यानी थर्ड रो को चेंज करना है और फर्स्ट वाले में क्या करते हैं माइनस टू से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा तो वन ये हो जाएगा जीरो ये हो जाएगा जीरो और यहाँ पे हो जाएगा वन वन और सिंपली इसको सॉल्व कर लें वन टू थ्री और यहाँ पे आपका क्या आएगा तो देखो यहाँ पे जब भी मैं इसमें माइनस टू से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करता हूँ तो माइनस वन आ जाता है माइनस वन को मैं लिखूंगा टू माइनस वन को मैं टू लिखूंगा ठीक है और यहाँ पे ऐड करूंगा तो हो जाएगा जीरो और यहाँ पे ऐड करूंगा तो हो जाएगा मेरे पास जीरो और यहाँ पे ऐड करूंगा तो हो जाएगा मेरे पास वन आई थिंक आपकी बात समझने आ चुकी है ठीक है और सॉरी मैंने इसको सॉल्व नहीं किया तो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा चलो इसमें इसमें क्या होता है माइनस टू से मल्टीप्लाई करके मैं टू में ऐड करता हूँ तो आता है जीरो और माइनस टू से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करता हूँ तो आता है वन तो ये सिस्टम तो सोल्यूशन देगा पक्की बात क्योंकि ये भी नॉन जीरो है और ये भी नॉन जीरो है तो ये नॉन जीरो है तो पक्की बात यह सोल्यूशन हमारा देगा और क्या होगा सोल्यूशन वो देखते हैं तो यहाँ से हो जाएगा एक्स थ्री हम लोग क्या करते हैं बैकवर्ड और सोल्यूशन करते हैं बैकवर्ड सॉल्विंग चलता है हमारा बैकवर्ड बैकवर्ड सल्यूशन बैकवर्ड सॉल्व सॉल्व करने का मतलब ये हो कि पीछे से नीचे उल्टा सॉल्व करते हैं मतलब नीचे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं ऊपर की ओर जाते हैं ठीक है ठीके? तो मेरे पास सल्यूशन क्या हो जाएगा मेरे पास हो जाएगा एक्स थ्री इक्वल टू वन ये वाले यहाँ से देखो एक्स थ्री ये वन ये कॉफिसेंट होते हैं एक्स थ्री काफिसेंट ये एक्स टू का एक्स वन का कॉफिसेंट तो पहले जो नीचे के लास्ट क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा जीरो एक्स वन प्लस जीरो एक्स टू और प्लस एक्स थ्री इक्वल टू वन तो डायरेक्टली मतलब जीरो से मतलब कोई मतलब ही नहीं है तो मतलब ये हुआ x3 एक्स थ्री इक्वल टू वन ठीक है अब यहाँ से देखो यहाँ से हो जाएगा टू एक्स टू इक्वल टू जीरो तो पक्की बात है कि एक्स टू इक्वल टू क्या मिल जाएगा एक्स टू इक्वल टू मिल जाएगा जीरो और यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री और इक्वल टू वन तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एक्स टू तो जीरो मेरे पास एक्स वन मेरे पास वन है तो कुल मिला के एक्स वन भी मेरे पास क्या आएगा वो मेरे पास जीरो आ जाएगा तो इसका जो सिस्टम का सोल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे पास हो जाएगा वन ज़ीरो ज़ीरो आई थिंक आपको में आ चुका है ठीक है तो मैंने यहाँ पर कौन सा फील्ड लिया था मैंने फील्ड लिया था यहाँ पर जेट थ्री फील्ड लिया था ठीक है जैसे मैंने इसको समझाया है और आप लोग उनकी प्रैक्टिस करें एक दो क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग ठीक है यहाँ पर तो एक क्वेश्चन और देखते हैं जैसे कि मान लीजिए मेरे पास आया एक्स वन प्लस टू एक्स टू ठीक है और प्लस एक्स थ्री इक्वल टू वन इस तरह टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री इक्वल टू टू एंड माइनस टू एक्स वन ठीक है माइनस एक्स टू एन प्लस एक्स थ्री इक्वल टू वन और जो यहाँ पे फील्ड आपका रहेगा इस क्वेश्चन के लिए फील्ड जो आपका है वो है जेट थ्री फील्ड ठीक है सॉरी जेट थ्री जेट थ्री फील्ड है चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं इसी टाइप से जैसे मैंने इसको सॉल्व किया वैसे इसको भी सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका वन वही बना लो मैट्रिक्स कैसी ए आई बी की मैट्रिक्स लिखी जा रही है लिख लो भाई यह हो जाएगा वन टू माइनस टू ये हो जाएगा मेरे पास टू वन माइनस वन ये हो जाएगा मेरे पास वन 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 और यहाँ पे मेरे पास है वन टू वन ठीक है तो इसको करो रिड्यूस करो पहले एक्लाइन फॉर्म में रिड्यूस करो इसको ठीक है तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास इसको रिड्यूस कर रहा हूँ ठीक है तो वन ये जो है जीरो पहले तो आप इसको ऐसा करें कि आइकलन फॉर्म इसको पहले से बनाने से पहले आप ऐसा करें कि यहाँ पर ये जो है जेट थ्री माटो लगा दें तो ये टू हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास जेट थ्री माटो में लगा रहा हूँ ठीक आई थिंक आपको ये बात समझ में आ चुकी है ठीक है तो ये हो जाएगा वन यहाँ से टू हो जाएगा यहाँ से अब मैं जीरो करना चाहता हूँ तो ज़ीरो हो जाएगा ये भी मेरा जीरो हो जाएगा और ये मेरा कितना है टू है ये इधर मेरा कितना आ जाएगा टू वन जे टू यानी टू डू जे फोर माइनस थ्री यानी कि जीरो ठीक है तो ये मेरा कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा कैसे मैं समझा समझाता हूँ तुम्हें रुझा बताता हूँ तुम्हें मैंने क्या किया बाई चेंजेस मैंने आर टू में यानी वन से माइनस टू से मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो में सेपरेट किया तो ऐड किया तो आ जाएगा ठीक है एंड और मैंने क्या किया कि आर थ्री और वन माइनस वन कर दिया तो आ जाएगा तो देखो मैंने क्या किया ये तो जीरो हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं ये भी जीरो हो जाएगा देखो यहाँ से टू टू जाए फोर माइनस फोर आया माइनस फोर और इसमें सब एड करूँगा मैं तो वन में माइनस फोर गया तो माइनस थ्री आएगा और थ्री ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा जीरो क्योंकि मॉडलों में लगाना है तो माइनस रह ही नहीं सकता यहाँ पे तो जीरो आ जाएगा ठीक है और यहाँ पे देखो तो ये आ जाएगा वन है मेरे पास इसमें माइनस शो से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस वन हो जाएगा ऐड करूंगा ना इसमें माइनस शो से मल्टीप्लाई करके तो क्या हो जाएगा माइनस वन वो एड करूँगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास ये मेरे पास हो जाएगा टू ठीक है इस टाइप से मैं इधर करूंगा जब मैं इधर करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कितना जीरो ये जीरो हो जाएगा और इधर मैं करूँगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा अगर मैं वन इसमें करके मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूँ तो इसमें हो जाएगा जीरो और इसको कर लो भाई यहाँ पर तो हो जाएगा वन और इधर हो जाएगा मेरे पास जीरो ये में हो जाएगा मेरे पास जीरो तो कुछ ऐसा सिचुएशन बनेगा ठीक है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये तो ठीक है दे रहा है सोल्यूशन क्या दे रहा है मेरे पास ये बन जा रहा है मेरे पास बैकवर्ड सोल्यूशन बैकवर्ड सॉल्विंग चल रही है मेरे पास तो हो जाएगा मेरे पास एक्स थ्री इक्वल टू जीरो एक्स थ्री इक्ल टू ज़ीरो और ये एक्स वन प्लस टू एक्स टू और प्लस एक्स थ्री इक्वल टू वन क्या हो जाएगा एक्स वन प्लस टू एक्स टू इक्वल टू वन ठीक है तो यहाँ से अब देखो यहाँ समझो तो जो मेरे पास वैक्टर्स हो सकते हैं एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वो कहाँ से हो सकती है जेड थ्री से हो सकते हैं वो सोल्यूशन कहाँ से हो सकता है जेड थ्री से हो सकता है इसीलिए जो यहाँ पर सोल्यूशन बनेगा भाई जेड थ्री के सल्यूशन हो सकते हैं बस समझना मेरी बात को ठीक है अगर मैं इसको एक कॉन्स्टेंट लेता हूँ वैल्यू एक्स टू को मैं लेता हूँ मान लो सी लेता हूँ एक्स टू मेरा लेता हूँ मान लो कॉन्सटेंट सी ले लेता हूँ ठीक है लेट कर लिया मैंने पुट कर लिया यहाँ पर इस बात को समझ लेना तुम लोग ढंग से मान लो मैंने पुट कर लिया कि एक्स टू मेरे पास क्या है क्योंकि सोल्यूशन देना है तो मुझे एस टू मान लिया मैंने कोई सी है और सी मेरा कहाँ से बिलोंग करेगा वो मेरा जेड थ्री से बिलोंग करेगा ठीक है तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या तो ये हो जाएगा एक्स वन इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा वन माइनस टू सी बस में नहीं आया तो यह क्या है वन माइनस टू सी आएगा अच्छा तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है तो एक्स टू इक्वल टू मेरे पास हो सकता है क्या क्या हो सकता है जीरो हो सकता है वन हो सकता है टू हो सकता है जीरो वन टू तो यानी यहाँ पे एक्स वन फिर क्या क्या आएगा करस्पॉन्डिंग तो एक्स वन मेरे पास आ जाएगा क्या क्या आ सकता है जीरो आ सकता है सो तो जीरो रखोगे तो वन आ सकता है वन रखोगे तो यहाँ पे आ सकता है माइनस वन माइनस वन का मतलब कितना हो सकता है माइनस वन का मतलब टू हो सकता है ठीक है माइनस वन का मतलब टू हो सकता है और यहाँ पर आप जब टू रखेंगे टू टू जब फोर वन में फोर गया मतलब माइनस थ्री जब यहाँ पे रखेंगे टू टू जब फोर मतलब माइनस थ्री और वन माइनस थ्री का मतलब होता है जीरो तो मतलब जीरो हो सकता है तो मेरे पास जो सल्यूशन हो जाएंगे वो क्या क्या हो जाएंगे मैं आपको बताता हूँ सलेशन मेरे क्या क्या हो जाएंगे ठीक है तो मैं इधर रख करके बता देता हूँ सलेशन आपके तो इस सिस्टम के सिलेशन जो होगा मैं उसको नोटेट कर रहा हूँ एस से और एस मेरा क्या क्या हो सकता है तो पहला हो सकता है मेरे पास भाई एस थी तो कन्फर्म ही जीरो रहेगा तो एस थी कोई मतलब है नहीं एक्स वन मेरे पास वन वन तब आया था जब मैंने एक्स टू क्या रखा था जीरो रखा था तो ये तो जीरो ही रहेगा कोई दिक्कत नहीं है दूसरा एक्स वन मेरे पास टू ये टू तब आया था जब मैंने एक्स टू वैल्यू वन रखी थी और ये तो मेरा जीरो ही रहेगा कोई दिक्कत है नहीं और ये मेरा जीरो कब आया था जब मैंने एक्स टू की वैल्यू टू रखा था और ये तो मेरा जीरो ही रहेगा तो इसमें तीन सलेशन हो सकते हैं एक ये एक ये एक ये तो हमने क्या कहा था कोई भी सिस्टम कितने भी सोल्यूशन रखते जैसे इसमें देखो है जेड थ्री सोल्यूशन रखा ठीक है तो वन मोर देन मैंने इसलिए लगाया था कि किसी में टू रखेगा किसी में थ्री रखेगा किसी में फो रख सकता है किसी में इन रख सकता है तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि इसमें क्या रख सकता है ठीक है तो अब ये जरूरी नहीं कह सकते हैं कि इन सोल्यूशन ही होगा बात में आ रही ना रियल नंबर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन ऐसे फील्ड हमारा चेंज होता रहता है जैसे जेड थ्री आ गया जेड फोर आ गई यू फोर यू थ्री आ सकता है है ना कुछ भी आ सकता है तो इसके अकॉर्डिंग मुझे सोल्यूशन अपना बनाना होता है आई थिंक आपके पास समझ में आई ठीक है तो क्लियर हो रहा है आई थिंक ठीक है अब मैं लेकर चलता हूँ आपको मैट्रिसेस के बारे में सल्यूशन देखना है लेकिन मैट्रिसेस में देखना है ठीक है तो अब इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा इसको ध्यान देना और इसको क्लियर कर लेना आप लोग ठीक है जैसे मान लीजिए मैंने आपसे ये बोला क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं आपको पॉइंट दे देता हूँ मैंने आपसे ये बोला कि लेट लेट कर लो कि ए मेरे पास कोई ऐसा है ए जे ठीक है एम बाई एन n by n and और ये क्या हो रहा है कि ax 0 x 0 और साथ ही साथ याद रखना ks m is a less than n है m is a less than n यानी कि m मेरा क्या होता है नंबर ऑफ इक्वेशन और ये क्या होता है नंबर ऑफ वेरिएबल तो नंबर ऑफ इक्वेशन अगर नंबर ऑफ वेरिएबल से क्या होते हैं कम होते हैं देन देन इस वाले केस में देखो क्या हो सकता है मेरे पास दे मेरे तो सिस्टम होगा देन सिस्टम सिस्टम हैज सिस्टम हैज नॉन ट्रिवल सोल्यूशन सिस्टम हैज नॉन ट्रिवल सोल्यूशन ट्रिवल सोल्यूशन नॉन ट्रिवल सोल्यूशन समझ में आ रही होगी आई थिंक आपको बात ट्रेवल सल्यूशन होता है कि ओनली जीरो सोल्यून दे आपको तो उसको बोलते हैं ट्रेवल सोल्यूशन और नॉन ट्रेवल का मतलब होता है कि इसके अदर जो भी सोलेशन होंगे वो सब सारे क्या होंगे नॉन ट्रेवल तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो मैं बोलूंगा सिस्टम हैज ए नॉन ट्रेवल सोल्यूशन या फिर या फिर बोल सकता हूँ मैं सिस्टम हैज सिस्टम हैज ठीक है मोर देन मोर देन वन सोल्यूशन मोर देन वन सल्यूशन ठीक है तो ये मेरा हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है ये कब होगा याद रखना जब ए, ऐसा हमारा मान लो कोई होमोजिनियस इक्वेशन सिस्टम आता है क्या आता है होमोजीनियस इक्वेशन सिस्टम मान लो आता है उसमें ए मेरा इस टाइप को होता है और ए जो मेरा हो ए जो मेरा बने यानी उसमें इतना हो जो सिस्टम मेरा बने उसमें क्या हो कि एम मेरा क्या होना चाहिए वो यानी कि जो मेरे पास नंबर